Ready? Hello students, good morning all of you. I hope our 10th class बहुत अच्छे marks से clear किया होगा या करेंगे अपना जो जल्दी आएगा तो I hope कि आपको मेरा जो मैं आपको सास समझाऊंगी study कराऊंगी वो आपको समझ में आएगा. मैं हूँ drawing teacher. Any subject drawing teacher? सुमन अग्रवाल. मेरा नाम सुमन अग्रवाल है और मैं ड्राइंग पढ़ा रही हूँ. मैं ड्राइंग का जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुकी हूँ, इसका एक बार और इंट्रोडक्शन दे दूँ. हमारी ड्राइंग यानी लाइनिंग का लाइनिंग बिंदु यानी डॉट लगाने के मात्र से ही हमारी ड्राइंग शुरू होती है. वह एक डॉट से दूसरे डॉट को हम जो जोड़ते हैं तो उसको लाइनिंग कहते हैं, लाइन कहते हैं. जैसे कि आपने भी टेंथ में पढ़ा हो, 100 नंबर का पेपर हमारा होता है जिस तरह से 24 का रिटर्न यानी थ्योरी होती है, 76 यानी प्रैक्टिकल होता है 24 में. और हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से हिंदी पहला, दूसरा है सौंद्र शास, तीसरा है संस्कृत, चौथा है हिस्ट्री और पांचवा है ड्राइंग. इस तरह से हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड जिससे कि हमको जोड़ते हैं और हमको सबका परिचय होता है. इससे हमारा जो हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें भी हमें इसमें बेनिफिट होता है और इस बेनिफिट को अगर कोई जानता नहीं है लेकिन आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये प्राकृतिक यानी प्रागैतिहासिक प्रीहिस्टोरिक प्रीहिस्टोरिक यानी प्रारंभ की जो हिस्टोरी कहते हैं उसको प्रीहिस्टोरिक कहते हैं. हिस्ट्री नहीं है बच्चों, हिस्ट्री और प्रीहिस्टोरिक में काफ़ी अंतर है. हिस्ट्री में होता है हमारी जो घटनाएं घट जाती हैं उसको हम जब लिखते हैं वो हमारी हिस्ट्री होती है और प्री स्टोरिक मतलब होते हैं जो प्रारंभ से जो स्टोरी हमारी चलती है प्रकृति के द्वारा उसको कहते हैं प्री स्टोरिक पार्ट. अब हमारा प्रश्न पहले प्रारंभ है ह्यूमन, जब ह्यूमन का बॉर्न यानी जन्म हुआ था जब से ही हमारा आर्ट का भी जन्म हुआ, जब से हमारा मानव यानी ह्यूमन का जन्म हुआ उसी वक्त से हमारे आर्ट का भी जन्म हुआ यानी बॉर्न हुआ. इसलिए जब हमारा कोई व्यक्ति जन्म लेता है चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, बर्ड हो, कोई भी हो, एक्सपर्ट है, वो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है. शुरू का ह्यूमन वो जब पेट भरना होता है और वो खाना पकाना नहीं जानता था, खेती बाड़ी नहीं जानता था. आज जिस प्रकार मनु एनिमल जंगल में रहते हैं उसी प्रकार ह्यूमन भी रहता था. तो उस वक्त का ह्यूमन किस तरह से पेट भरता था, तो उस वक्त वो अपनी कैश यानी जो अपनी रॉक कैश थी उनके अंदर रहता था. रॉक कैश कैसी थी, खुरदरी जैसी भी थी रफ्तार उसके अंदर ही रहता था और इस तरह से उसने प्रीहिस्टोरिक यानी ह्यूमन ने रहना सीखा. इंडियन आर्ट हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा इंडियन आर्ट. इंडियन आर्ट क्या है, इंडियन आर्ट मतलब जो हमारे भारत में जो ह्यूमन ने अपनी रॉक पेंटिंग्स बनाई थी. पेंटिंग क्यों बनाई थी, अपने जीने के लिए सुविधाएं जुटाई थी, वो ही आर्ट इंडियन आर्ट हो गई. अगर ये आर्ट विदेश में मिलती है यानी फॉरेन में मिलती है, आज अमेरिका या इंग्लैंड कहीं भी देखो हर जगह रॉक होगी, हर जगह कैश है और उनके अंदर जो जो वहाँ के जो एनिमल हैं उनकी पेंटिंग्स उसमें बनाई हुई मिली जाती हैं. तो हमारे यहाँ लोग पढ़ेंगे इंडियन आर्ट यानी हम भारतीय जो गुफाएँ हैं कैब उनकी जो चित्रकार देखा था उसी के अंदर हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डायनो हंटिंग यानी शिकार, शिकार प्लान. वो शिकार प्लान किस तरह से करते थे, अब जैसे हमारे हम लोग शिकार की सुबह से हम
जब उठते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमें प्लानिंग करते हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से हमें भोजन बनाना है, आज हमारा मदर डे है या फादर डे है, आज हमारा हैप्पी बर्थडे, कुछ भी बर्थडे हम लोग प्लान बनाते हैं ना। उसी प्रकार वो लोग गुफाओं में रहते थे, गुट में रहते थे, ग्रुप में रहते थे और अपने हंटी हनी शिकार का प्लान बनाते थे कि आज हम एक एलिफेंट का शिकार करेंगे और इतने लोगों का इससे पेट भर सकता है, या फिर हमें एक सुअर का करेंगे क्योंकि पहले जंगल जानवर में सुअर भैंसा यानी बफर को इन्हीं रहनी शिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि अगर खरगोश का करा शिकार तो उससे तो एक ही व्यक्ति का पेट भरता था, अगर वो हाथी यानी एलिफेंट का करेंगे या जंगली भैंसे का करते हैं या जंगली सुअर तो उसे कम से कम 3-4 लोग, यानी एलिफेंट का करेंगे तो कम से कम 10-15 लोगों का पेट आराम से भर जाता है। इस तरह से वो पहले शिकार का प्लान करते थे और फिर ग्रुप फिर गुफा से निकलते वक्त वो अपने चिन्ह यानी कोई सिंबल छोड़ते हुए जाते थे, उनको हम आज ड्रॉइंग कहते हैं। अब ह्यूमन उस वक्त कैसे रहता था, सिविलाइजेशन कैसे किया, ह्यूमन यानी चेंज कैसे हुआ, उसने समय के साथ ये 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्व मध्य और उत्तर। यानी सबसे पहले ह्यूमन किस तरह से रहा, फिर उसने थोड़ा उसका बौद्धिक विकास हुआ यानी डेवलप हुआ, उसकी बुद्धि थोड़ी डेवलप हुई तो उसने हथियार जो भी पाषाण यानी पत्थर के जो हथियार थे उसको थोड़ा सा नुकीला किया, उसको थोड़ा सिस्टमेटिक बनाया और उसे शिकार किया। फिर उसके बाद उसने ग्रुप में रहने लगे, नदी के किनारे रिवर के किनारे रहने लगे और नदी के किनारे रहकर खेती बाड़ी करने लगे, तो इस तरह से उनका सिविलाइजेशन होता गया। नेक्स्ट है सर्फेस ऑफ रॉक्स, यानी जो रॉक की सरफेस थी उस पर उन्होंने ड्राइंग करना शुरू किया था, जैसे आज मुझे हाथ एलिफेंट का शिकार करना है तो वो उस रॉक की जो सरफेस होगी उस पर वो एलिफेंट की ड्राइंग करके जाते थे और एक स्वास्तिक चिन्ह बना के जाते थे। आज भी हम एक लड़की के तौर पर हम कुछ भी करते हैं, इस तरह से जो रॉक चिन्ह बना सिंबल बना के जाते थे और अपनी पेंटिंग का निशान छोड़ते, तो आज भी हमें मिल रहा है। हमारे जो इतिहासकार है वो हमें आज भी अपनी इस खोज के लिए जाने जाते हैं। ड्रॉइंग्स, वो ड्रॉइंग्स की आउटलाइन, ड्रॉइंग्स ऐसा नहीं पूरी करते, ड्रॉइंग्स से जो बनाते जैसे एलिफेंट बनाते तो उसमें सिर्फ आउटलाइन ही बनाते थे, इसको पूरा अंदर से नहीं बनाते थे। अब जैसे एक आदि मानव का चित्र बनाएंगे तो सिर्फ आउटलाइन ही बनाते थे, इस तरह से आप देख रहे हो ना ये आउटलाइन ही बनाते थे, ये इस तरह से हमारे ये शैल चित्र के लिए जाते हैं। अब हमारे सिंबल भी बनाए जाते थे, जैसे अभी एक जगह से मैं आपको जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे इतने घने जंगल होने के बाद हम अपनी जगह पर कैसे वापस आएंगे, तो इस वजह से वो हाथ का चिन्ह या जो आज हम लोग स्प्रे पेंटिंग बोलते हैं तो वो हाथ तो उस पर रोक कर रखे और ऐसे खड़िया या खनिज में अपने कोयला लो कुछ भी ले वो पाउडर को छिड़कते थे, इस तरह से वो कैसे थी स्प्रे पेंटिंग के लिए जाती थी जो आज है। इस तरह से हमारे इस चैप्टर के अंदर इतना ही हूँ, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये देखो ये पहला चैप्टर हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है और बहुत ही सरल है क्योंकि हमें पुरानी कहानियाँ स्टोरी पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। पुरानी मानव कैसे थे, हिम मानव कैसे होते, हिम और अपने जो रॉक में रहते थे वो कैसे मानव थे, कैंप में रहते थे वो कैसे मानव थे, इस तरह से हम इसकी सिर्फ स्टोरी पढ़ेंगे। और स्टोरी मुझे लगता है रॉक की हमको जल्दी से लर्न हो जाती है, हमको कोई ज़्यादा इसकी डेप्थ नहीं पढ़नी, मात्र स्टोरी पढ़नी है और स्टोरी इस तरह से इसको इंटरेस्टिंग बनाते हुए मजे देते हुए अच्छा लगे। इस तरह से हमारा चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन हमें आपको कराया है। थैंक यू बच्चों।